यार किडी, हाँ। सारा जमाना तुझे किडी के नाम से जानता है, आज अपने बर्थडे के दिन बता दे यार कि ये किडी का मतलब क्या है। कपिल देव। करण दीवान। अरे करण दीवान कौन है? मेरे दादाजी। बोलो ना केडी। अरे मिसेस बिलमोरिया, ये एक केस तो आप लोग मेरी मदद के बिना सॉल्व कर लीजिए, है ना? ओके ओके। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपना बर्थडे विश में क्या मांगा है? मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आपके हस्बैंड सोली है ना, हाँ। उनके लिए मैंने मांगा केडी। अरे लो दबे भी आ गया, आजा आजा, क्या टाइमिंग है, आजा केक खा ले। अरे यार ये तो पूरी बारात लेके आए। हाँ, केक छोटा पड़ेगा, आजा सब आजा सब आजा। केडी वाई अंडर अरेस्ट। अरे दबे, आज पहली अप्रैल नहीं है, अप्रैल फूल्स डे नहीं है, कौन सा दिन है? हैप्पी बर्थडे मेरा। मैं मजाक नहीं कर रहा केडी, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। अच्छा बता। अरेस्ट वारंट लाया है? अपने टाइपराइटर पे टाइप कर दिया भैया। वो टीवी शो कौन सा आता है ना, वो जान उल्लू बनाते सबको यार, क्या क्या नाम है? चलो बताओ कहाँ है कैमरा, कहाँ है? बंदूक के अंदर। हाँ बंदूक के अंदर, इसलिए टांग के खड़ा हुआ है कब से। अरे दवे साहब मजाक बंद करो, केक खाओ यार। आप चुप बैठिए, किसी का कत्ल करना मजाक नहीं होता केडी पाठक। तुम्हें उद्योगपति मनोज नारंग के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तू क्या बेतुके से सवाल पूछ रहा है दवे? हजार बार तुझसे कह चुका हूं, मनोज नारंग मेरा दोस्त था, मैंने उसको नहीं मारा, और मैं किसी को क्यों मारूंगा यार? केडी हर कत्ल यही कहता है, और तुम्हारे खिलाफ तो हर सबूत यही कह रहा है कि तुम्ही ने उसको मारा है। क्या सबूत यार, कैसे सबूत? पूछ रहा हूं तुझसे, कुछ तो बता, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ? केडी कल अदालत में तुम्हारी पेशी है, वहीं सब कुछ पता चलेगा। ले जाओ इन्हें। दिस इज नॉनसेंस यार दवे। केडी, अपने लिए एक अच्छा सा डिफेंस लॉयर कर लो। क्यों? केडी पाठक है ना, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प दवे। केडी तुम्हारी अर्जी मंजूर हो गई है, तुम ये केस खुद लड़ सकते हो। थैंक्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? यही बताने के लिए खास यहां आया हूं, तुम्हारा पुराना राइवल विश्वजीत रणावत। विश्वजीत रणावत, मुसीबत आती है तो एक साथ में ही आती है ना? हाँ केडी, और उसके जीतने का रिकॉर्ड 100% है, और ये केस इतना पक्का है तुम्हारे खिलाफ कि उसका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, नो चांस। ये फैसला जज पे छोड़ दे, अब जाओ दवे, मुझे अपने केस के बारे में सोचने दो। गुड लक। ना जाते जाते दरवाजा बंद कर देना।
मैं सिफला। थैंक यू सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा इन तीनों में से तुमसे क्या कहूं। बेशर्मला क्योंकि लकी है जो तुम्हें इस केस से बचा सकता है। थैंक यू क्योंकि फाइनली तुमने मुझे मौका दिया ये प्रूव करने के लिए कि मैं तुमसे बेहतर हूं। और सॉरी मैं एडवांस में कह रहा हूं, केस तो तुम्हारी जाओगे। नॉर्मली हम लोग कटघरे की इस तरफ खड़े होते हैं, आज तुम कटघरे के अंदर खड़े हो। दुनिया डिफरेंट हो गई है ना। अदालत कैसी लग रही है? मिस्टर विश्वजीत राणा मत, मैं जहां भी खड़ा होता हूं मुझे अदालत वहां से एक समान नजर आती है, सच्चाई का प्रतीक। लेकिन एक बात है, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दैट, इतनी ऊंचाई से तुम थोड़े छोटे नजर आ रहे हो। तंसरी मुड़ गया नहीं? होशियार जज हो रहा अदालत में तशरीफ ला रहे हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इस अदालत के सबसे बड़े स्तंभ केडी पाठक को इस कटघरे में पाऊंगा। योर ऑनर, सपने और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है, और मेरे इस कटघरे में होने की हकीकत से बड़ी एक और हकीकत है, वो ये कि इस अदालत में आज तक कभी सच नहीं हारा। इस अदालत में कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं सुनाई गई और ना ही सुनाई जाएगी। मुझे आप पर और इस अदालत पर उतना ही यकीन है जितना कि मेरी बेगुनाही पर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं अदालत को कुछ दिखाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? जी। मनोज ऋषि नारंग, योर ऑनर, 900 करोड़ के रेमिंगटन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। इनका नाम पिछले एक महीने से सुर्खियों में है। योर ऑनर, इज बीन अक्यूज्ड इन द टेलीकॉम स्कैम। इन पर एक्यूजेशन है कि इन्होंने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर 2000 करोड़ का फरेब किया। खैर, मिस्टर नारंग ये बात जानते थे योर ऑनर कि अगर ये पकड़े गए तो इनकी जिंदगी के बाकी साल जेल में कटेंगे। ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए इस महान इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने ही तरह का एक महान डिफेंस लॉयर चुना, नन अदर देन द ग्रेट मिस्टर केडी पाठक। हेलो केडी। केडी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, ये लोग मुझे फंसा देंगे। केडी, तुम दोषी हो। नहीं केडी, मुझे फंसाया जा रहा है, तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, हमारे रेमिंगटन टावर्स हो रहे ऑफिस में कल रात 10 बजे। डन, मैं इंतजार करूंगा। और सुन, अकेले में? अकेले? मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि मैं तेरा केस लड़ रहा हूँ। ठीक है केडी, कल रात 10 बजे अकेले। अफसोस, मिस्टर नारंग ये बात नहीं जानते थे कि उनकी सारी फोन लाइंस पुलिस ने टैप की हुई। 8 जून की रात 9 बजे मिस्टर पाठक और मिस्टर नारंग के बीच में ये कॉन्वर्सेशन टेप की गई। योर ऑनर, ये मेरी आवाज नहीं है, हो ही नहीं सकती। मेरी मनोज नारंग से कोई बात नहीं हुई। रियली? आपकी मिस्टर मनोज नारंग के साथ कोई बात नहीं हुई? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये कॉल आपके ऑफिस के लैंडलाइन पर ट्रेस की गई है मिस्टर पाठक। उतावले होकर इतना रिएक्ट कीजिए, अभी तो मैच शुरू हुआ है, स्लॉग ओवर्स अभी बाकी है। अगले दिन योर ऑनर,
यानी कि 9 जून की रात ठीक 10 बजे अपने वादे के मुताबिक रेमिंगटन टावर्स के पोर्च पर एक शानदार सफेद गाड़ी आकर रुकी। सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज के अराउंड अगर आप ध्यान से देखें तो डेट और टाइम क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट गाड़ी का नंबर भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी आप ही की है ना मिस्टर पाठक? जी हाँ, गाड़ी मेरी है। लेकिन योर ऑनर, गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट भी लगाया जा सकता है। आपकी खूबसूरत गाड़ी पर एक बदसूरत सा स्क्रैच है बम्पर पर ऑन द लेफ्ट साइड, मैंने उस दिन देखा था। हाँ, पार्क करते वक्त लग गई थी। मुंबई में तो ऐसा होता ही है, क्या करें। एक सेकंड, ये स्क्रैच कहीं वही स्क्रैच तो नहीं है मिस्टर पाठक? इसका मतलब ये गाड़ी आप ही की है मिस्टर पाठक, पर आपने तो कहा आप वहां थे नहीं। ओ, तो जब आप गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते तो किसी और को उधार पर देते होंगे? जी नहीं। सच बोलने के लिए शुक्रिया। योर ऑनर, आगे चल के देखते हैं कि ये रहस्यमय आदमी लॉबी में जाकर क्या करता है। फिर चेहरा दिखाई नहीं दिया। ऐसे मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये आप हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मेरे पहले चश्मदीद गवाह रेमिंगटन टावर्स के सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर गोड बोले। यही साहब थे? हाँ साहब, यही साहब थे जो उस रात बिल्डिंग में आए और आकर बोले। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम के डी पाठक है, मिस्टर नारंग से मिलने हैं। जी आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं ऊपर फोन लगाकर पूछता हूँ। ये टॉयलेट कहाँ है? जी बाजू में। Your Honor, सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? मिस्टर गोड बोले, तुम्हारे चश्मे का नंबर कितना है? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मुझे दिखाई नहीं देता है? क्या मैं अपना काम ठीक से नहीं करता हूँ? अरे साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? उस रात आप ही तो आए थे बिल्डिंग में। शांति मिस्टर गोड बोले, इतना गुस्सा नहीं करते, अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले आपने इन्हें वॉशरूम में जाते देखा? हाँ साहब। Unfortunately, Your Honor, हम लोग वॉशरूम में सिक्योरिटी कैमरास नहीं लगाते, इसलिए वहां की फुटेज हमारे पास नहीं है। पर बाथरूम से एक अहम सबूत है हमारे पास, ये। मिस्टर केडी पाठक वॉशरूम में गए, वॉश बेसिन पे उन्होंने अपना मुंह और हाथ इस तौलिये से पोंछा और फिर डस्टबिन में फेंका। और फेंकने से पहले उनका सर का एक बाल इस तौलिये पर रह गया। इसका डीएनए एनालिसिस कहता है कि ये केडी पाठक का बाल है। डॉक्टर रस्तोगी, क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी ने मेरा बाल उस टावल पर प्लांट किया हो? जी हाँ। डॉक्टर रस्तोगी, क्या आप इस बात की गारंटी लेंगे कि वो बाल प्लांट किया गया था? जी नहीं। थैंक यू, आई थिंक यू कैन गो। योर ऑनर, मैं केडी को कई सालों से जानता हूं। केडी पाठक किसी का खून नहीं कर सकते। अपना डिफेंस मिस्टर पाठक खुद लड़ रहे हैं डॉक्टर रस्तोगी, आप उनके डिफेंस लॉयर नहीं है। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा गया था जिसका आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। आई थिंक योर जॉब इज डन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रस्तोगी, यू कैन गो। थैंक यू। सो मिस्टर पाठक, वॉशरूम के बाद आप कहां गए? सॉरी सॉरी सॉरी, आप तो वहां थे ही नहीं, आपको कैसे पता होगा? चलिए फुटेज से पूछते हैं। मिस्टर पाठक, ये तो मुझे आप ही लग रहे हैं।
ये इतने तमीज और स्टाइल के साथ लेडीज को पहले आप कहने का अंदाज तो आप ही का है। योर ऑनर, ये है वो तीन लोग। हो साहब, यही साहब थे मेरे से एकदम 2 फीट की दूरी पर। जी, ये वही है। इतने हैंडसम इंसान को कोई कैसे भूल सकता है? और कितना अच्छा डिजाइनर परफ्यूम इन्होंने लगाया था। JSA, जॉन स्टेसी अरोमा, राइट ना? आपको कैसे मालूम कि वो परफ्यूम जॉन स्टेसी अरोमा था? वेल, मेरे हस्बैंड का परफ्यूम का बिजनेस है उसी बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर, एंड ऑफ कोर्स मुझे पहचान है। मिस्टर पाठक, आप कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं? जॉन स्टेसी अरोमा। इट्स ओके मिस्टर पाठक, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं भी यही परफ्यूम इस्तेमाल करता हूँ। ये परफ्यूम इस्तेमाल करने से मैं केडी पाठक थोड़ी ना बन जाऊंगा, किसी का खून थोड़ी ना करूंगा। ऑफ कोर्स, यही तो थे वो जिनसे मैं लिफ्ट में मिली थी। मैं मिस्टर केडी पाठक को अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने इन्हें कई बार टीवी पर भी देखा है। इन्होंने मुझसे लिफ्ट में बात की थी और अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर केडी पाठक है ना, द ग्रेट लॉयर? ग्रेट का तो पता नहीं, हाँ नाम केडी पाठक है। देखा देखा, मैंने तुझसे कहा था ना। हाय, आई एम सुनीता जिंगान और ये मेरी सिस्टर है वैदेही दरियानी। हाय। वो एक्चुअली मुझे आपसे एक केस के बारे में डिस्कस करना था। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है ना, उनकी लैंड लिटिगेशन का केस है, तो अगर आप हमारी इस वक्त किसी और मीटिंग के लिए हैं, लेकिन मेरा कार्ड रखिए आप। यही वो कार्ड है मिसेज जिंगन जी। योर ऑनर, फोरेंसिक्स रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्ड पर सिर्फ 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं, एक ऑफ कोर्स मिसेज जिंगन और दूसरा सरप्राइज सरप्राइज मेरे काबिल दोस्त मिस्टर केडी पाठक। योर ऑनर, हो सकता है इन्हें कहीं मैं बाहर मिला तब कार्ड दिया, मुझे तो इनकी शक्ल तक याद नहीं। तो आप ये कहना चाहते कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल मिसेस जिंगर, आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ना तो मैं आपसे उस बिल्डिंग में मिला था, ना उस बिल्डिंग के लिफ्ट में, ना कभी मैं आपकी बहन से मिला। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? झूठ आप बोल रहे हैं मिस्टर पाठक। 3 लोग, एड टू दैट मिस्टर गुडविल, 4 versus 1, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं सिवाय आपके। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट मिस्टर प्रोसिक्यूटर, सच्चाई कोई गणित नहीं जो अंकों से आका जाए। अगर 10,000 लोग भी चांद को सूरज कहेंगे तो चांद सूरज नहीं बन जाता। वेल सेड मिस्टर पाठक, पर अफसोस आपकी ये केडी टाइप दलीलें अब चलने वाली नहीं है। आपके लिए केस बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत ही मुश्किल। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह मिस्टर नारंग की पर्सनल सेक्रेटरी मिस जरीन मर्चेंट। जी, मैं मिस्टर केडी पाठक की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं बहुत खुश थी कि मिस्टर केडी पाठक मिस्टर नारंग का केस लड़ने वाले हैं, लेकिन मिस्टर केडी पाठक ने तो मेरे बॉस का खून कर दिया। इट्स ओके मैडम, रिलैक्स रिलैक्स। तो उस रात मिस्टर पाठक को आपने रिसीव किया था? जी, उस रात 10 बजे थे और ऑफिस में कोई नहीं था सिवाय मेरे और मिस्टर नारंग के, जब मिस्टर केडी पाठक वहां आए। I'll call you back, yeah? Oh, Mr. KT Pathak, pleased to meet you. मैं Zareen Merchant, Mr. Narang की secretary. Pleased to meet you too. Actually, I'm so pleased to meet you. मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं आपको, आपसे मुलाकात भी होगी. Actually, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मेरे लिए आप हीरो नहीं, सुपर हीरो है. Thank you. Mr. Narang? Oh, हाँ हाँ, this way. मिस्टर पाठक, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, क्या मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकती हूँ? ऑफ कोर्स। थैंक्स। एंड योर ऑनर, ये रही वो तस्वीर मिस्टर केडी पाठक।
आप इस सच्चाई का सामना करने को तैयार हैं। आई एम सॉरी, ये सच्चाई थोड़ी कड़वी थी। योर ऑनर, दिस इज इम्पॉसिबल। हाउ कैन दिस बी? ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल योर ऑनर। एज यू कैन सी, किसी ने इस तस्वीर को मॉर्फ करके मेरी शक्ल यहां डाली है। मैं इनसे कभी मिला ही नहीं। क्या वो आप ही थे मिस्टर केडी पाठक? आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि आप मेरे हीरो थे। यू आर अ लायर। योर ऑनर, अब तक मेरे खिलाफ जो भी गवाही हमने सुनी और देखी वो सारी बेबुनियाद है। सब पैसे के बल पर खरीदी हुई है, बनाई हुई है। पैसा जो इस केस का मूल आधार है। 2000 करोड़ का स्कैम योर ऑनर, जिसके चलते मनोज नारंग से पूछताछ हो रही थी। इट्स वेरी क्लियर कि किसी ने अपना नाम बचाने के लिए मुझे इसमें फंसाया है। योर ऑनर, ये सारे गवाह झूठे हैं। ये सारी गवाही बेबुनियाद है। मिस्टर पाठक, आपका यह अंदाज देखकर मुझे वो पुरानी कहानी याद आ गई, शतुरमुर्ग की कहानी। ऑस्ट्रिच, जब ऑस्ट्रिच पर खतरा बढ़ता है तो वो अपनी गर्दन रेत में दबाकर छुप जाता है। उसे ऐसा लगता है कि खतरा टल गया। मिस्टर पाठक, किसी गलतफहमी में मत रहिए, खतरा टला नहीं। ये सबूत सच है और आपके खिलाफ। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अब तक आपने सिर्फ मेरी मौजूदगी साबित करने की कोशिश की है, मेरा मकसद नहीं। मनोज नारंग मेरा बहुत पुराना दोस्त था, मैं उसे क्यों मारूंगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मिस्टर पाठक, बट आई प्रॉमिस यू द आंसर इज इवन बेटर। मिस्टर मनोज नारंग आपके दोस्त थे, ये बात सच है, पर कॉलेज के दिनों की एक और कहानी है जो एक और बड़ा सच है। आप दोनों के बीच में एक और शख्स था मिस्टर पाठक, आपका प्यार अलीशा। याद आए? मिस्टर नारंग आपके दोस्त थे, फिर भी उन्होंने आपका प्यार आपसे छीन लिया और आपका दिल तोड़ दिया। मैं सच कह रहा हूं ना मिस्टर पाठक? What nonsense, Your Honor. कहना क्या चाहते हैं आप मिस्टर प्रोसिक्यूटर, कि मुझे कॉलेज की कोई भूली बिसरी दोस्ती याद आ गई और मैंने तहश में आकर अपनी जिंदगी, अपना करियर दांव पे लगा दिया और मनु नारंग का खून किया? इट्स एब्सर्ड योर ऑनर। कॉलेज की बातें कॉलेज में ही खत्म हो जाती है। तो फिर आप 3 जून की रात मिस्टर नारंग के बंगले पर क्या कर रहे थे मिस्टर पाठक? ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। शायद आपको याद ना हो, पर मिसेज अलीशा नारंग को जरूर याद है। योर ऑनर, मैं मिसेज नारंग को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? केडी मुझसे कत्ल के 1 हफ्ते पहले मिलने आया था। उसने मुझसे कहा कि आज तक उसने मेरे इंतजार में शादी नहीं की। इसलिए मैं मनोज को छोड़कर उसकी हो जाऊं, वरना वो मनोज को जान से मार देगा। She is lying, Your Honor. मैं ना तो कभी आपसे मिला हूं, ना कभी आपके। I hate you, Katie. I hate you. तुमने मेरे मनोज की जान ली है। भगवान तुम्हें उसकी सजा जरूर देगा। I hate you, Katie. I hate you. Your Honor, मुझे लगा था कि ये सारे गवाह झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इन सबको धोखा दिया गया है। सोचने वाली बात ये है Your Honor, कि इतने सारे लोगों को एक साथ धोखा हुआ कैसे और क्यों? रहा सवाल खून का, तो अब तक प्रोसिक्यूटर साहब की कोई भी दलील यह साबित नहीं करती कि खून मैंने किया है। एग्जैक्टली Your Honor, यही तो मेरा आखिरी इक्का है, खून किसने और कैसे किया। और यह दिखाने में मेरी मदद करेगा मिस्टर मनोज नारंग के ऑफिस में लगा हुआ स्पाई कैमरा, जो एक तस्वीर में छुपा हुआ था। Your Honor, इस कैमरा की फुटेज में हम फाइनली कातिल का चेहरा देखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के देखिए।
इससे पहले कि मैं अरेस्ट हो जाऊं प्लीज तुम कुछ करो। डोंट वरी मनोज, आज के बाद तुम्हें कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। End of story. Your Honor, obviously ये कोई बहरूपिया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतने सारे लोगों को धोखा कैसे हुआ। धोखा हुआ नहीं है Your Honor, धोखा दिया गया है। किसी ने बड़ी चालाकी से मेरी शक्ल, मेरी आवाज, मेरा हर हाव भाव की नकल करके ये कत्ल किया है और ये मैं अब साबित करूंगा। आप कैसे साबित करेंगे मिस्टर पाठक? अदालत ये बात देखना चाहती है। ये सारे सबूत, ये सारे गवाह झूठे हैं। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आपके सारे गवाह सच बोल रहे हैं, लेकिन इस सच को झूठा साबित करने के लिए इससे भी बड़ी सच्चाई की जरूरत है। और वो सच ये है योर ऑनर कि 9 जून की रात को मैं रेमिंगटन टावर्स में नहीं, माइम के वेलवेट लाउंज में था, अपने दोस्त जिलमिल जवेरी और प्रोड्यूसर मंजुल पंजाबी के साथ। हम वहां रात के 9:30 बजे पहुंचे, टेबल नंबर 8 पर बैठे, डिनर किया और रात के 11 बजे वहां से निकले। ऑलराइट मिस्टर पाठक, मैं तो ऑलरेडी साबित कर चुका हूं कि आप रेमिंगटन टावर्स में थे। चलिए अब आप साबित कीजिए कि आप एक ही वक्त पर दो जगह कैसे रह सकते हैं। Your Honor, मेरे पहले गवाह वेलवेट लाउंज के मैनेजर जो क्रास्टो, जिन्होंने उस रात मेरा ऑर्डर लिया था। मिस्टर क्रास्टो, 9 जून को रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वेलवेट लाउंज में आप ड्यूटी पर थे। यस सर। अदालत को बताइए कि मैं वहां था। नहीं सर, आप वहां नहीं थे। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम क्रास्टो? तुम्ही ने मेरा ऑर्डर लिया था, 3 मशरूम सूप, 2 रैवियोली, 1 लजानिया, जिसका बिल मैंने कैश में भरा था। योर ऑनर, ये गलत है। उस दिन टेबल पर 3 नहीं, सिर्फ 2 लोग थे और बिल का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हुआ था। योर ऑनर, झूठ बोल रहा है ये। मिस्टर क्रास्टो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योर ऑनर, ये पेमेंट कैश में नहीं, क्रेडिट कार्ड से हुई थी और ये कार्ड मिस्टर मंजुल पंजाबी के नाम पर है। योर ऑनर, देयर इज ऑब्वियसली सम कंफ्यूजन। मुझे पूरा यकीन है कि उस रात जो वेटर था सजीत, उसे याद होगा। मैं सजीत को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? ये साहब उस रात को डिनर पे नहीं आए थे। आप 2 लोग आए थे पर ये साहब नहीं थे। योर ऑनर, ये भी झूठ बोल रहा है। ये ठीक कह रहे हो योर ऑनर, वेलवेट लाउंज की बैली असिस्टेंट्स, वहां के होस्टेस, वहां के सारे वेटर्स की साइन स्टेटमेंट कि मिस्टर केडी पाठक वहां पे नहीं थे। वो उधर था। जर्मन, बोलो ना इनको, बोलो ना तुम थे साथ में। आपको जो भी कहना है कटघरे में आगे कहिए। मैं 9 साल से केडी पाठक का सेक्रेटरी हूं
उसका हर एक अपॉइंटमेंट मैं लिखती हूँ। वो रात वो कोई टावर वावर में नहीं था, वो वेलवेट लाउंज में था और मैंने खुद उसका डायरी में अपॉइंटमेंट लिखा था। और वो डायरी कहाँ है? मेरे पर्स में है, मैं बताती हूँ तुमको। ये देखो, 9th जून वेलवेट लाउंज, रात 10 बजे मंजूर पंजाबी एंड झिलमिल का अपॉइंटमेंट। 9th जून मनोज नारंग 10 PM रेमिंगटन टावर्स। यह हैंडराइटिंग आप ही की है मिसेस बिली मोरिया। ये मैंने नहीं लिखा है। ये तो मैं नहीं जानता, पर अगर आपने नहीं लिखा तो यहाँ कैसे आए? अरे जब कोई आखा केडी का कॉपी मार सकता है तो क्या मेरा हैंडराइटिंग का कॉपी नहीं मार सकता? देखिए। अरे तुम क्या दिखाएंगे मेरे को तो मालूम है कि कानून तो अंधा है, पर तुम भी अंधा है, भेरा है, हाँ? मिसेस बिली मोरिया। और आप जज साहब, कितनी बार आपके ये अदालत में केडी ने बड़े से बड़ा केस सॉल्व किया है और आप लोग केडी जैसे हीरो को विलेन बना रहे हो? केडी मर्डरर नहीं है जज साहब। मिसेस बिली मोरिया प्लीज, मैं इसका गारंटी देती हूँ। Don't worry, Kenny, nothing will happen to you. I will pray for you. Your Honor, ये केस एक बहुत ही गहरी साजिश है जहां सारे गवाह मेरे खिलाफ हैं, लेकिन ये सारी गवाही उन लोगों की है जो लोग मुझे जानते तक नहीं। इसीलिए मेरे अगले दो गवाह जो मेरे आखिरी गवाह भी हैं, इनकी गवाही मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि ये दोनों मुझे बरसों से जानते हैं। सबसे पहले मैं मिस्टर मंजुल पंजाबी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? मिस्टर पंजाबी, अदालत को बताइए कि आप ही ने उस रात मुझे वेलवेट लाउंज में मीटिंग करने के लिए बुलाया था। जी योर ऑनर, मेरा एक बहुत पुराना लैंड केस है। मैंने अपने दो झिलमिल से कहा था कि इस लैंड केस के लिए मुझे केडी पाठक से मिलवा दे, इसलिए उस रात मैंने वेलवेट लाउंज में 3 लोगों के लिए टेबल बुक की थी। थैंक यू मिस्टर पंजाबी। बट केडी वहां नहीं आए थे। What? झिलमिल अकेला ही आया था, उसने कहा कि वो मनोज नारंग से मिलने गया है। योर ऑनर, ही इज ऑल्सो लाइंग। योर ऑनर, इस दुनिया के सब लोग सिर्फ झूठी बोल रहे हैं सिवाय मिस्टर केडी पाठक के, द ग्रेट सत्यवादी मिस्टर केडी पाठक। मुझे ऐसे लगता है कि अगर भगवान भी ऊपर से आकर इनके खिलाफ गवाही दे तो ये कहेंगे कि भगवान झूठ बोल रहे हैं। योर ऑनर, मुझे भरोसा है अपने अगले गवाह पर जो मेरा सबसे करीबी दोस्त भी है, झिलमिल जवेरी, जो उस रात मेरे साथ वेलवेट लाउंज में था। मैं मिस्टर झिलमिल जवेरी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? झिलमिल, अभी सिर्फ तेरी गवाही बाकी है। मिस्टर जवेरी, अदालत को बताइए कि उस रात मैं आपके साथ वेलवेट लाउंज में था या नहीं। जैसा आप, केडी पाठक मेरा दोस्त नहीं, मेरे भाई जैसा है। और जहां तक मैं जानता हूं, दुनिया यहां से वहां हो जाए, केडी पाठक कभी किसी का खून नहीं कर सकता। मिस्टर जवेरी, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। सवाल यह था कि मिस्टर पाठक उस लाउंज में थे या नहीं। केडी पाठक की दुनिया मिसालें देती है क्योंकि केडी पाठक कानून का रक्षक है, भक्षक नहीं। मिस्टर जवेरी, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, मिस्टर पाठक उस लाउंज में उस रात थे या नहीं। आप सब लोग देख लेंगे कि इस केस में केडी पाठक की जीत होगी। मिस्टर जवेरी, आंसर द क्वेश्चन। सवाल यह है, मिस्टर पाठक उस रात इस लाउंज में थे या नहीं।
मैं वहां अकेला गया था। केडी पाठक मेरे साथ नहीं था, लेकिन काश ये वहां होता। झिलमिल घटेड़ा, क्यों झूठ बोलता है? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। झिलमिल, तू झूठ क्यों बोल रहा है यार? मुझे माफ कर देना यार, लेकिन तुम ही तो हमेशा कहा करते हो कि चाहे कुछ हो जाए झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोल। और इसी के साथ साबित हो जाता है योर ऑनर कि उस दिन दो नहीं एक केडी पाठक थे, और वो केडी पाठक रात को वेलवेट लाउंज में डिनर नहीं कर रहे थे योर ऑनर, बल्कि रेमिंगटन टावर्स में अपने दोस्त मनोज नारंग का कत्ल कर रहे थे। और इस केस के ताबूत में वो आखिरी कील, वो आखिरी सबूत है। ये रजिस्टर्ड गन योर ऑनर, ये गन मिस्टर पाठक के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने आज इसे बरामद किया उनकी ऑफिस के एक लॉकर से, एंड ऑफ कोर्स योर ऑनर, इस गन पर उनकी उंगलियों के निशान है। सो मिस्टर पाठक, सो मिस्टर पाठक, आर यू रॉन्ग, आर यू रॉन्ग, और आर यू रॉन्ग? I rest my case, Your Honor. एक कांच के बने महल को गिराने के लिए एक पत्थर काफी है। आज के केस की सुनवाई केडी पाठक की बिखरी हुई सत्यनिष्ठा के टुकड़ों पर हो रही है, लेकिन कानून अंधा होता है और उसका फैसला बिना किसी पक्षपात के। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि केडी पाठक ने मनोज नारंग का कत्ल किया है। और इस कत्ल की सजा में दफा 302 सेक्शन 34 के तहत उम्र कैद की सजा सुना रहे हैं। The case is closed. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.